हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक और वीडियो इस सीरीज़ में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक वीडियो में इम्पॉर्टेंट एसपी बख्शी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो बना रहा हूँ, अल्टरनेट कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और जो नंबर है, जैसा अगर आपने पहले वीडियो फॉलो की होगी तो जो ये नंबर्स हैं आपको यही ऑलमोस्ट इन्हीं नंबर्स में आपको क्वेश्चन किरण की प्रीवियस ईयर जो बुक आती है उसमें ये क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपको इसी नंबर पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है साइंसेज ऑफ द रेसेज ऑफ मैनकाइंड। साइंस ऑफ द रेसेज ऑफ मैनकाइंड, जो रेसेज ऑफ मैनकाइंड की साइंस होती है उसको कहते हैं एथनोलॉजी। इस पे स्टार लगा रखा है मैंने। इसकी वजह यह है कि कहीं कहीं पर एंथ्रोपोलॉजी भी इसका आंसर होगा। अगर एथनोलॉजी आंसर नहीं दिया हुआ ऑप्शन तो आंसर एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, लेकिन अगर एथनोलॉजी दिया हुआ है तो आंसर एथनोलॉजी होगा, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एक जनरल स्टडी ऑफ मैनकाइंड है और उसकी एक स्पेसिफिक सब स्टडी है एथनोलॉजी, जो कि ह्यूमन रेसेस यानी कि इंसानी नस्लों पर स्टडी करती है। तो एंथ्रोपोलॉजी एक बड़ी डिसिप्लिन है, एक बड़ी स्टडी है, और उसका एक सब स्टडी जो है वो क्या है, एथनोलॉजी है। तो अगर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन में दिया हुआ है, एथनोलॉजी नहीं दिया हुआ तो एंथ्रोपोलॉजी होगा, लेकिन अगर एथनोलॉजी दिया हुआ है तो एथनोलॉजी इसका आंसर होगा। फिर है वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। पहले ख़ास तौर पे होता था, अब भी होता होगा शायद, कि शिप पे छुप छुपा के लोग बैठ जाया करते थे ताकि फ्री में जो है उन्हें ट्रैवल करने को मिल जाए, टिकट ना लेना पड़े। तो ऐसे लोगों को क्या कहते थे, स्टो अवे कहते हैं। फिर है क्लूज अवेलेबल एट अ सीन। एक सीन जो क्राइम का सीन है या कोई भी सीन है उसमें जो क्लूज अवेलेबल हैं किसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के, उसे कहते हैं सरकमस्टेंशियल। ऐसे एविडेंसेस कहलाते हैं सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस। ये पर्टिकुलरली जब आप में से जो लोग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या वहाँ पर जाने की सोच रहे हैं, पुलिस में या वहाँ पर, तो वो एविडेंसेस जो क्राइम की वारदात की जगह पे, स्थल पे मिलते हैं, वो सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस कहलाते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, ऑफ इसमें मिस हो रहा है तो उसको ऐड कर लीजिएगा। अगर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, और बहुत ही अच्छा गुड फॉर्च्यून हो जाए, यानी बहुत पैसा मिल जाए, बहुत शोहरत, बहुत कामयाबी एकदम से मिल जाए, तो उसको क्या कहते हैं, विंडफॉल कहते हैं। फिर है एन एम्यूलुमेंट ओवर एंड अबाउ फिक्स इनकम और सैलरी। एक ऐसा एम्यूलुमेंट यानी कि कुछ फाइनेंशियल या किसी और तरीके का इंसेंटिव जो सैलरी या इनकम से ऊपर हो, एडिशनल हो, उसको क्या कहते हैं, ऑनरेरियम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ऑनरेरियम। स्टार इस पे लगा दिया क्योंकि कुछ इससे रिलेटेड, एक है ऑनररी, एक वर्ड होता है ऑनररी, एक ऐसा वर्ड है यानी कि एक ऐसी पोस्ट जिसमें कोई सैलरी नहीं मिलती किसी को। तो यूनियन के लीडर्स, ट्रेड यूनियन या स्टूडेंट यूनियन, तो उसमें ऑनररी पोस्ट होती हैं। या एक और वर्ड है साइनोक्योर। साइनोक्योर का मतलब होता है कि वहाँ पर काम कुछ नहीं होता, पैसा मिलता है उस चीज़ का काफ़ी ठीक ठाक, तो उसको साइनोक्योर कहते हैं। तो ऑनरेरियम जो है वो बेसिकली जो आपकी सैलरी या इनकम से एडिशनल आपको मिलता है। तो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो टीचर्स को, या हम लोग भी कभी कोई ऐसा लेक्चर या कुछ करते थे तो ऑनरेरियम दिया जाता था, कुछ 100 रुपी, मतलब कुछ सम 100 या 1000 रुपीज़ फॉर टीचर्स किसी, तो वो उनकी सैलरी से अलग होता था। फिर अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है चेंज का, तो उसे फ्लक्स कहते हैं। ये अगर आप इंग्लिश में, साइंस को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, तो फ्लक्स वहाँ पर आप देखते हैं कि वो फील्ड जो है चेंज हो रही होती है, इस वजह से उसे फ्लक्स कहते हैं। तो जनरली भी कोई चीज़ प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज फ्लक्स। द यूज़ ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। वहाँ पर कहीं पर बहुत ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करना जहाँ पर कुछ वर्ड से काम चल सके,
जैसे ऑब्वियसली क्या होता है कि ये अगर आप वन वर्ड को वन वर्ड ना इस्तेमाल करें तो ये पूरा आपको एक पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब हम कन्वर्जेशन में जब करते हैं, कोई करता है, तो उसको सरकमलोक्यूशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सरकमलोक्यूशन। फिर है सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम। गुंबद हो जिसमें सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल हो जिसमें डोम हो, गुंबद हो, उसको क्या कहते हैं? रोटोंडा कहते हैं। अकरिंग एट नाइट, नॉक्टर्नल। कोई चीज़ अकर कर रही है एट नाइट, जैसे ऑउल जो होता है, उल्लू जो होता है, वो नॉक्टर्नल एनिमल है, रात में निकलता है, रात में शिकार करता है। पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग। ऐसा इंसान जो फॉर्मल रूल्स को, के रूल में ये लिखा हुआ है ऐसे ही फॉलो किया जाए, या लिटरेरी मीनिंग के साहब ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा ही होगा, किताब में तो ये लिखा हुआ है तो ऐसे ही होना चाहिए। जबकि मैथ्स हम पढ़ते हैं, इंग्लिश हम बोलते हैं, तो हम वर्किंग उसमें बहुत सारी चीज़ें करते हैं मैथ्स में, इंग्लिश में। लेकिन जो इंसान इंसिस्ट करे नहीं, बुक में ऐसा लिखा हुआ तो ऐसे ही होना चाहिए, तो उस इंसान को क्या कहते हैं? पेडेंट कहते हैं। पेडेंट का एक और मतलब भी होता है कि जो अपने अपनी नॉलेज को बहुत शो ऑफ करे, वो भी एक मीनिंग होता है पेडेंट का। फिर है सीइंग समथिंग विच इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। अगर कोई चीज़ आदमी को दिखे जो कि एक्चुअल में रियलिटी में है नहीं, बिकॉज ऑफ मेंटली डिसबैलेंस्ड हो गया, या कुछ उसे मतलब मेंटल इलनेस हो गई, या कभी कभी हो भी जाता है नॉर्मल केस में भी, भूख की वजह से या किसी और वजह से, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? हेलुसिनेशन कहते हैं। कि होती नहीं है कोई चीज़ रियलिटी में, लेकिन उसको दिखने लगे, महसूस होने लगे, तो वो हेलुसिनेशन होते हैं। तो हेलुसिनेशन देखने का भी होता है, ऑडियो हेलुसिनेशन भी होते हैं कि कोई चीज़ आवाज़ नहीं होती है लेकिन सुनाई देने लगती है। तो जब मेंटली इल कोई होता है तो ज़्यादा होता है, लेकिन नॉर्मल इंसान को भी कभी कभी हो जाता है। फिर है विद मच लाइवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पस। बहुत जिंदा दिली और सेंस ऑफ पर्पस के साथ कोई चीज़ हो या कोई इंसान हो, तो उसको जॉन्टिली कहते हैं, उस बिहेवियर को। फिर एक कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट, के डिप्लोमेटिक एटिकेट कौन से कैसे किया जाएगा, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक क्या क्या तौर तरीके रहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, और क्या क्या रखा जाएगा, कैसे कैसे कोई चीज़ की जाएगी। कोई कंट्री में कोई आ रहा है बाहर का विदेशी मेहमान, तो उसको कैसे रिसीव किया जाएगा, उसे कैसे ले जाया जाएगा, उससे कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, और उसको क्या सुविधाएं दी जाएंगी, कैसे उसकी मीटिंग करी जाएगी, कैसे उससे बात की जाएगी, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? प्रोटोकॉल कहलाती हैं। तो ये तो वर्ड वैसे भी हम पढ़ते रहते हैं। टू रिनाउंस अ हाई पोजिशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। अगर आप रिनाउंस कर देते हैं, छोड़ देते हैं किसी हाई पोजिशन ऑफ अथॉरिटी को या कंट्रोल को, तो आप क्या कहते हैं उसको? एबडिगेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पद छोड़ने को, या प्रभुत्व की कोई जगह छोड़ने को क्या कहते हैं? एबडिगेट कहते हैं। रिनाउंस तो जनरल वर्ड है, एबडिगेट एक स्पेसिफिक वर्ड है इस कंडीशन के लिए। फिर है नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रीटी। एंट्रीटी का मतलब प्रार्थना से, पेटीशन से, रिक्वेस्ट से होता है, यानी कि जो प्रार्थना से या रिक्वेस्ट से मूव ना करे, यानी कि रहम पिघले ना, रहम दिल ना हो, रहम ना आए जिसको, उसको क्या कहते हैं? डेस्पोटिक कहते हैं, जालिम कहते हैं, डेस्पोटिक। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैम्पल। एक ऑब्जेक्ट या पोर्शन जो कि सैम्पल के तौर पे सर्व किया जाता था, जैसे कोई नमूना जिसे हम कहते हैं किसी चीज़ का, जैसे आप रील धागे की, तो आप धागा इस तरीके का बनाए, या कपड़े का आप एक छोटा सा टुकड़ा दिखाते हैं कि देखो, मतलब बड़ा किसी को बल्क में कोई चीज़ लेनी होती तो स्पेसिमेन है उस चीज़ का, तो नमूना किसी चीज़ का। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। जब कोई प्रपोजल किसी कंट्री को करना होता है, जिसमें मतलब आम राय मतलब जाननी होती है कि पब्लिक की क्या मूड है इस चीज़ पे, टॉपिक पे, तो और वो वोट कराई जाती है, तो उसे रेफरेंडम कहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो, तो आपने पढ़ा होगा कि स्कॉटलैंड का रेफरेंडम हुआ था कि क्या वो यूनाइटेड किंगडम से अलग होना चाहता है। उसके अलावा अभी एक स्पेन के कैटलोनिया में वहाँ के लोगों ने एक अपना रेफरेंडम किया था, जिसको स्पेनिश सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ब्रेक्सिट एक रेफरेंडम था,
कि ब्रिटेन क्या एग्जिट करेगा यूरोपियन यूनियन से या नहीं, जिसमें यूरोप ब्रिटेन की मेजोरिटी ने कहा कि हाँ कर लेना चाहिए, तो ऐसी चीज़ को रेफरेंडम कहते हैं। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, जो आपके दिल के अंदर सही और गलत का अंतरात्मा जिसे कहते हैं, तो कंसाइंस, कंसाइंस अंतरात्मा। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, और सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन में प्रिजनर को रिलीज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पैरोल कहते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी याददाश्त का चले जाने को कहते हैं एमनीशिया कहते हैं। फिर है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, असहाय तौर पे स्ट्रगल करना, जूझना, उसको कहते हैं फ्लाउंडर। अपोस्ट, जैसे मैंने अभी बताया भी था थोड़ा ऊपर, अपोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, साइनाक्योर। होते हैं ऐसे खुशकिस्मत लोग भी होते हैं जिनमें, लेकिन उसमें भी ये देखा गया कि साइनाक्योर पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें ऑलरेडी इंसान ने इतनी पहले मेहनत की होती है कि उसको बाद में काम नहीं कराया जाता है उसको, लेकिन एक जनरल प्रेजेंस इज्जत के तौर पे और रिकॉग्नाइज करते हुए कि इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक पोस्ट दे दी जाती है जिसमें उसे काम ना के बराबर करना होता है, लेकिन सैलरी अच्छी मिलती है, मतलब इंसेंटिव्स अच्छे मिलते हैं। फिर है पर्टेनिंग टू कैटल, कोई कैटल से संबंधित हुए है तो बोवाइन कहलाता है। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, अगर किसी को आप गुस्से से या धमकाने वाले अंदाज में देख रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, ग्लोवर कहते हैं। वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, अटर्ली नहीं होगा, अटर्ड होगा, इसको सही कर लीजिएगा। वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, ब्लास्फेमी कहते हैं। क्यूबल, टू आर्ग्यू और कंप्लेन अबाउट अ स्मॉल मैटर, किसी छोटे से मुद्दे के बारे में आर्ग्यू करना, बहस करना, कंप्लेन करने को क्या कहते हैं, क्विबल। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, एक ऐसा टेस्ट जिसमें बीमार ऑर्गन, आपका जिगर है, आपका हार्ट है, या कोई भी बॉडी पार्ट है दूसरा, मैं मेडिकल फील्ड से तो नहीं हूँ तो एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उनके सेल्स को रिमूव किया जाता है और टेस्ट किया जाता है उनको, तो जिससे बीमारी का पता चला जा सके, उसको बायोप्सी कहते हैं। फिर द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, जहाँ पर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, तो ऐसी जगह को क्या कहते हैं, आर्काइव्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने पढ़े इस सेशन में। और बेसिकली देखिए, ये सेशन जो प्रीवियस ईयर के हैं, इनमें से जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये आसान ही है, या आप देखे हुए होंगे कम से कम। तो मेरा मकसद इस सीरीज़ को, जब मैं प्रीवियस ईयर के उन वर्ड्स को पढ़ा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा मॉडरेट टू टफ लेवल के हैं, यानी कि जो इजी हैं और नॉर्मल लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो तो सबको आने ही चाहिए, वो तो आपको आने ही चाहिए, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़ा कम, जिसकी तैयारी होगी उसको इन क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो अच्छी तैयारी करके जो सिलेक्शन लेना चाहता है उसको तो ये वर्ड्स उसके लिए कंपलसरी है कि उसको ये वर्ड्स भी आएँ। तो मैं आइडेंटिफाई करा दे रहा हूँ आपको, काम आसान कर दे रहा हूँ आपका इस पूरी सीरीज़ के थ्रू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी प्रिपरेशन में इससे मदद मिलेगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस मॉक टेस्ट में भी देते रहेंगे, और फाइनल जब एग्ज़ाम होगा तो होपफुली आपका वहाँ पर भी परफॉर्मेंस जो है अच्छा रहेगा और आप सिलेक्शन लेंगे। तो इसी नोट पे मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। गुड बाय, टेक केयर।